भी है अब भी के अभी निकल मेरे घर से। न तेरा ये फैसला मंजूर है और ना ही ये शादी। ये जवान निवास है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आके यहां रह ले। ना तब मेरे आने से कोई खुश था और ना अब है। वक्त का पहिया घूमकर फिर वही आ गया है। लेकिन मैं इस बार फिर सबको मना लूं। वेलकम बैक सई जोशी, ओह सॉरी सई विराट चव्हाण, अब यही तेरा घर है। पापा, किसी ने मुझे मिस किया हो या नहीं किया हो, आई एम श्योर आपने मुझे मिस जरूर किया होगा, है ना? पापा, इस बार मेरे साथ कोई भी नहीं है, आई भी नहीं, लेकिन आप तो मेरे साथ है ना? एंड थैंक यू, आपने मुझे इस घर में तो एंट्री दिला दी, अब सबके दिलों में एंट्री कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है, खास तौर पर मेरे पति के दिल में। तो डील? हाँ, डील। अरे ये हुई ना पा। सॉरी, आपको डरा दिया मैंने? मुझे पता था तुम घर में घुसाओगी, लेकिन मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये आपका कमरा नहीं है, ये हमारा कमरा है। स्वागत नहीं करेंगे हमारा? कौन सी भाषा समझ आती है तुम्हें? ऑब्वियसली हिंदी नहीं आती, क्योंकि मैं हजार बार बोल चुका हूं मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। मराठी मत सांगू, आयुष्यात पर कभी तुझे तोड़ दाखू नकोस। इंग्लिश में बोलू? आई डोंट वांट टू सी योर फेस एवर अगेन। बंगाली में अमी तुम्हार मुख कोनो दिन देखते चाहे, भोजपुरी में हम के त्योहार थोबड़ा नहीं के देखे के बा, और पंजाबी में ओ मैं तेरी बुत्ती नहीं देखना चाहता। आप किसी भी भाषा में बोलोगे ना, मुझे सब समझ में आएगा। मुझे तमिल, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सब समझ में आती। और आपको पता है, आबा कहते थे कि मुझे ना लिंग्विस्टिक स्टडीज का कोर्स करना चाहिए था। खैर, वो तो मैंने किया नहीं। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं आपकी बात नहीं समझने वाली और ना ही सुनने वाली हूँ। मैं तो आपके ओह सॉरी अगेन, मेरा मतलब हमारे कमरे में आ गई हूँ और अब यही रहूंगी। जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, आई ने हम दोनों को अलग अलग कमरों में रखा था। तुम वहीं जाके रहो ना। तब मैं आपको अपने पति नहीं मानती थी ना, और अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। क्यों इग्नोर कर रही हो इस फैक्ट को? इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वो गलती करने से रोक रही हूँ जो गलती मैंने की थी। देखिए, अभी आप गुस्से में हैं, इसलिए आपको ये फीलिंग ना फैक्ट लग रही है। अभी ना आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं आपकी बीवी नहीं, लेकिन फैक्ट है कि मैं आपकी बीवी हूँ और अब मैं अपने पति के साथ ही रहने आई हूँ। देखो सही है, दिखाइए ना विराट सर। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तो आप कहीं और चले जाएंगे, है ना? चले जाइए, मैं वहां भी आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। आउच! ओहो, चोट लगाने में ना मजा आने लगा है आपको। एक जगह आराम से नहीं बैठ सकते, बैठिए। तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज लीव मी अलोन। चुप एंड बैठिए। अरे एक बार को
आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप मुझसे पीछे छुड़ा लोगे। जब देखो चोट लगाते रहते हैं। सब क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं वापस आ गई हूं, और आप जहां भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी। अगर आप लिविंग रूम में सोने जाएंगे तो मैं वहां आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। अगर आप किचन में जाएंगे तो मैं वहां भी आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। और हाँ, बाकी दीदी के रूम में जाएंगे तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वहां सम्राट आता है तो कोई बात नहीं। तुम बाकी को क्यों बीच में ला रही हो? मैं कहां लाई? वो तो शुरू से हमारे बीच में थी ना, है ना? अच्छा है, मैं तो वैसे भी ये ट्रायंगल से ना बोर हो गई, सोच रही हूँ बाकी दीदी को ना थोड़े दिन रेस्ट करने दे और हम एक दूसरे पे फोकस करते हैं। आप मुझे अगर अंदर बंद करने की बात सोच रहे हैं ना, तो फिर मैं आपको याद दिला दूं, मैं पाइप से नीचे उतर गई थी, फिर से उतर जाऊंगी। हाँ, आपको पड़ोसियों को कोई नया ड्रामा देना है तो फिर मैं तैयार। तुम अभी भी परियों की दुनिया में रहती हो ना, जहां दो लोगों के बीच चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, एंड में वो साथ ही रहते हैं खुशी खुशी, है ना? तुम्हारे ये मान लेने से कि हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, वो सच में सब कुछ नॉर्मल हो नहीं जाता है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सारी हरकतें भूल जाऊं, तुमने मुझ पर जो इल्जाम लगाए वो सारे भूल जाऊं, क्योंकि अचानक से अब तुम्हें ये एहसास हो गया कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे एहसास है विराट सर कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, और अपनी गलती के लिए मैं आपसे माफी भी मांग रही हूं। मैं गलत थी। गलती तो ये है तुम्हारी ग्रैंड अपॉलोजी। सच में मैं जानना चाहता हूं, क्या सोचा क्या है तुमने? तुम ऐसे जबरदस्ती घर में घुसाओगी जैसे तुम इस कमरे में घुसाई हो, वैसे तुम मेरे दिल में भी घुसाओगी जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं कर रही हूं मैं तो बस मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप फिर से मुझे अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, क्या मेरा? तुम इस घर में रहोगी, बहू होने के हक जताओगी, पता नहीं और क्या क्या नए ड्रामे करोगी तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो सही सुशी, तुम जो मर्जी बनो मेरी बीवी नहीं बन पाओगी। डिवोर्स पेपर्स जला देने से तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने का जो इंटेंशन था वो तो नहीं बदल सकता। तुम जवान निवास में आ जरूर गई हो, लेकिन मेरे दिल में जगह बनाने के बारे में सोचना भी मत, गलती से भी नहीं। बुलाने पे हम सबके साथ प्रसाद खाने के लिए आया है। अरे वाह, पत्रलेखा, इसी गैर के लिए तू अपना मन खराब मत कर।
तूने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से पूरन पोली बनाई है, देखने में ही स्वादिष्ट लग रही है। अरे सबको खिला? जी बड़ी मामी। काकू, प्रसाद का खाना तो हमेशा ही स्वादिष्ट बनता है, चाहे उसे कोई भी बनाए, उसमें भगवान जी का आशीर्वाद जो मिला होता है। पत्र लेखा, सबसे पहले भगवान को भोग लगा, जाओ बेटा। मस्त मस्त, अब अश्विनी को समझ में आया कि इस घर में कौन सम्मान के लायक है और कौन निहायती नालायक है। अश्विनी, तेरा बेटा घर पर आया है, मैंने तेरे फैसले की तारीफ की है, और तू है कि मुंह लटका रही है। आपने मेरी तारीफ इसलिए की वही नहीं, क्योंकि मैंने भगवान को भोग लगाने के लिए सही के बजाय पत्रलेखा से कहा। अगर सही को हम लोग इस भर की बहू मानते ही नहीं है, तो फिर मैं उसे बहू का हक क्यों दूं? बप्पा, आपसे मेरी खुशी क्यों नहीं देखी जाती? जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, जब भी मुझे लगता है कि मेरी कोई मुराद पूरी होने वाली है, ये सही नाम की पनौती हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। अभी तो विराट पूरी तरह से मुझसे और बाकी घर वालों से जुड़ा भी नहीं था, ये सही आदम की। प्लीज पप्पा, आप इस सही को इस घर से कैसे भी करके बाहर निकाल दो। ए लड़की, तू क्या कर रही है? हम में से कोई भी तेरे हाथ से कुछ नहीं खाएगा। काकू, इतना भी क्या गुस्सा मुझसे कि अब प्रसाद का ही निरादर कर दे? प्रसाद तो दुश्मन भी दे तो भी ले लेना चाहिए, मैं तो फिर भी इस घर की बहू हूँ। अगर आप में से किसी ने भी मेरे हाथ से प्रसाद नहीं लिया ना, तो क्या? तो मैं मोहल्ले भर में ये ढिंढोरा पीट दूंगी कि जवान खानदान जो इतने नियम कायदे कानून मानता है, उन्होंने प्रसाद को हाथ लगाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे उनकी बहू ने हाथ लगाया था। हाँ, इंटरेस्टिंग। ए कप्पा, बस आई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन ये सही भाभी वैसी की वैसी ही। आप भी तो नहीं बदली करिश्मा, पहले भी मन में बड़बड़ करती थी, अब भी मन में बड़बड़ कर रही हो। जो बोलना है खुल के बोलो ना करिश्मा, एक ही तो जिंदगी है, खुल के जियो। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है ना आई, है ना? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। सही भाभी तो अभी भी नहीं बदली, पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी है। थोड़ा सब्र करो, अब सही बदलेगी भी और बदला भी लेगी। आई, मैं पूरन पोली लेके आती हूँ। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे यहाँ से भगा तो नहीं सकते, तो कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कर स्माइल तो कर सकते हैं ना? आप लोग ना मेरी मौजूदगी से अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। सही, तू बुरा बैड विचित्र मत मानना हा, लेकिन देखना तेरा पति यहां कंफर्टेबल नहीं है, तो हम लोग तो आप अपने पति का ख्याल रखिए और मैं अपने पति का ख्याल रखूंगी। सही है? तो सही है। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैंने तो सब सुन लिया देवी ताई। नीना, बाबा बाबा बानी, अरे आपने ग्लास क्यों उठा लिया बाबा? आपको याद है ना
जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने धमकी दी थी कि मैं ये जग फोड़ दूंगी। हाँ, अब मैं ये जग नहीं फोड़ूंगी क्योंकि मैं इस घर की बहू, लेकिन पानी तो आपको मेरे हाथ से ही पीना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे साथ ना भेदभाव नहीं कर सकते। याद आया? अच्छा, नहीं याद आया। इंस्पेक्टर कदम की बात तो याद है ना? उन्होंने कहा था अगर मुझे परेशान किया तो मैं फोन कर दूंगी। करूं क्या फोन उनको? धमकी दे रही हो मुझे, ठीक है, जिसे फोन करना है कर लो, लेकिन तुम अपने हाथों से मुझे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं भी पानी नहीं पीऊंगी। पानी नहीं पीऊंगी तो मुझे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन से मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। मेरी मौत का पाप आपको लगेगा। हैप्पी पाप। निनाद, तुम बड़े हो, इसे बच्चे जैसे जीत करना अच्छा लगता है क्या? पानी और प्रसाद कभी इनकार नहीं किए जाते। सही कह, ऐसे पानी पी लो और बात यहाँ खत्म करो। आई, आप निनाद मामा को अपनी जिद छोड़ने के लिए कह रही, लेकिन क्या सही अपनी जिद नहीं छोड़ सकती? मैंने कहाँ जिद की दादा, पानी पिलाना कोई जिद थोड़ी ना होती है। और जिद तो बाबा ने शुरू की है ग्लास हटा के। निनाद प्लीज पी लीजिए ना पानी, हमें यहाँ तमाशा नहीं खड़ा करना है। इस घर में ना दो पल के लिए भी शांति नहीं मिलती। मेरा बेटा यहाँ प्रसाद खाने के लिए आया है, उसके बारे में भी तो सोचो ना। थैंक यू बाबा। पत्र लिखा, विराट को पूरण पूरी दो। जी। ऐसे पत्र लिखा, मानना पड़ेगा। हाँ, तुमने अकेले ही इतना सारा प्रसाद बना लिया और वो भी इतना टेस्टी, जायकेदार, स्वादिष्ट। वैसे हर बहू को ना तुमसे कुछ सीखना चाहिए कि बहू कैसे होती है। पाखी दीदी, सबकी तारीफें सुनकर आप एक्साइटेड हो गई क्या? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा? आप कुछ भूल रही हैं पाखी दीदी। बड़ी मामी, इससे कह दीजिए मुझे परेशान ना करें, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। हाँ, उसी जरूरी काम के लिए तो बोल रही हूँ, आप कुछ भूल रही हैं। तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं विराट को प्रसाद दूँ? ऐसा क्यों लग रहा है बाकी दीदी कि ये प्रसाद आप अपने पति को खिलाने से ज्यादा मेरे पति को खिलाने में दिलचस्पी रखते हैं? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.